मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि आचार संहिता लग जाएगी, 1 लाख जो भर्तियां जो पेंडिंग है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जॉइनिंग का मामला जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका लिंक ओपन होना सोमवार मंगलवार तक, कल परसों तक ओपन होने की संभावना, उसके बाद जिला मंडल होना, जॉइनिंग हो रही है 5546 पीटीआई की भर्ती के अभ्यर्थियों के परिणाम जारी होना है और उनकी जॉइनिंग होनी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी होना, सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होना, थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी होना, लाइट ग्रेड का आने वाले वीक में जारी होना, तो 1 लाख जो भर्ती परीक्षाएं हैं अलग अलग विभागों की, इनको हम चाहते हैं जल्द से जल्द जॉइनिंग हो प्राथमिकता के साथ। तो मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है कि मैं दिया हुआ निर्देश देकर जल्द से जल्द ऑडिटिंग करवाकर इन भर्ती को पूरा कराने का उन्होंने विश्वास दिया है 1 लाख। और साथ में मैंने ये बात कही, साथ जो 1 लाख बजट में घोषणा की गई, कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार के लिए भी अच्छा होगा, साथ उनका कैलेंडर जारी करूँ क्या, मैंने डीओपी सेक्रेटरी को बोला है और मैं जल्द से जल्द इन भर्तियों का विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवा दूंगा। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवाने का आश्वासन दिया है जल्द से जल्द। इसके अलावा 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनका भी आश्वासन दिया है, और जल्द जो आप लोगों की जो मांग है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का पहले परिणाम आए, फिर सेकंड ग्रेड का, फिर थर्ड ग्रेड का, ये परिणाम आए और जब तक प्रक्रिया भी इसी प्रकार है जॉइनिंग के लिए, तो इस संबंध में अधिकारियों से बात होगी क्योंकि अधिकारी बात करेंगे। उसके अलावा कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से भी मैं मुलाकात कर रहा हूँ, आप सब जो व्यक्ति है फर्स्ट सेकंड प्रेयर कर सुबह 9 बजे आप पूछे तो शिक्षा मंत्री जी से भी हम अधिकारी को फोन करा देंगे, वहीं मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से एक अलग से मीटिंग होगी, तो इसका भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि जल्द से जल्द 1 लाख प्रत्याधीन भर्ती को पूरा किया जाएगा, जिसमें स्कूल व्याख्याता सेकंड तमाम भर्तियां हैं। तो आप बात रखिए, पहले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ये बात कल सुबह रखी जाएगी और मुख्यमंत्री के अधिकारी के साथ बात होगी, उसमें रखी जाएगी और मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंप दिया है। तीन चीजें जो मैंने बताई, 1 लाख प्रत्याधीन भर्तियों को प्राथमिकता सब करना, 1 लाख बच्चों का वर्गीकरण और उम्र कैद की सजा का प्रावधान, यही पे तकलीफ माफ है, इन पे महत्वपूर्ण जो सहमति जताई।